मेरे अल्लाह की वह है जिसकी ना कोई इब्तदा है और ना कोई इंतहा है कैनात का नक्शा नहीं था अल्लाह की ज़ात मौजूद थी अल्लाह ताला ने इस कैनात को वजूद दिया कमर पेश अठारह हज़ार मखलूक को पैदा किया ये सारी मखलूक मेरे अल्लाह की मताज है जिसके हुक्म और मर्दी के बगैर एक दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता अल्लाह की वजात ये नक्शा कुछ नहीं था अल्लाह की जात मौजूद थी अन करीब व दिन आने वाला है कि अल्लाह पाकिस्नात को ख़त्म करेगा मखलूक सारी को मारेगा कोई चीज़ बाकी ना रहेगी मखलूक को फना है फ़ना हो जाएगी अल्लाह की ज़ात को बका है वो बाकी रहने वाली है जिसके हुक्म और मर्जी के बगैर एक दरख्त का पत्ता नहीं रह सकता अल्लाह के खजा लहमदूद हैं उसके इज़्ज़त के खजाने लहमदूद हैं ज़द्लत के खजा लाहमदूद हैं विसको इज़्ज़त दे कोई जलील नहीं कर सकता अल्लाह जिसको जलील करे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता अल्लाह तौल ने फिर उनको पकड़ा कोई छुड़ा ना सका अल्लाह जिसको पकड़ते हैं उसको कोई छुड़ा नहीं सकता अल्लाह जिसको मोहलत दें उसको कोई पकड़ नहीं सकता अल्लाह की जात बड़ी, अल्लाह के ख़जाने बड़े। मेरा और आपका यकीन और तल्लक अल्लाह के साथ जुड़ जाए जा जिसके हुक्म और मर्जी के बगैर एक दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता इसलिए हम अपना तल्लक अल्लाह के साथ मजबूत करें पाँच की नमाज की पाबंदी करें अल्लाह के घर मसाजिद को आबाद करें जब ताकि जब हम दुआ मांगें तो हमारी दुआएं कबूल हों अल्लाह के ख़जाने लाह हैं वो देने में आए तो सारी मखलूक को इकट्ठा अता करें जिनको इंसानों को परिंदों को चरिंदों को अठारह हज़ार मखलूक जितनी अल्लाह ने बनी वो सारी के सारी मखलूक एक वक्त में मांगे अल्लाह से एक वक्त में मांगे अपनी अपनी जबानों में मांगे अल्लाह कहता है कि मैं सबका चाह सबको इकट्ठे अता करूँ मेरे खजानों में एक कतरे के बराबर कमी नहीं आती तो उस रब से हमारा तलाक़ अच्छा हो जाए मजबूत हो जाए जो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है तो हम गैरों के और दर दर के मथाज कभी नहीं होंगे बात अच्छी लगी भई के चैनल को सब्सक्राइब करना अल्लाह आप साहब का हामीनासर अल्लाह हाफेज